नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी बिहार की ताजा खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। खुशखबरी, स्कूल में अब बच्चों को नाश्ता भी मिलेगा। मिड डे मील से पहले ब्रेकफास्ट देगी बिहार सरकार। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत बच्चों को भोजन से पहले ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। लगभग 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों को इसे फायदा होगा। बिहार का शिक्षा विभाग यूनिसेफ की मदद से सभी बच्चों की सेहत का सर्वेक्षण भी कराएगा। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर अमल करते हुए बिहार सरकार बच्चों को अच्छी और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के साथ सेहत का भी ख्याल रखने जा रही है। बच्चों को स्कूल में मिड डे मील से पहले नाश्ता देने को लेकर नीतीश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत सभी स्कूली बच्चों को हेल्थ कार्ड तैयार होगा, साथ ही उन्हें मध्याह्न भोजन के साथ सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा। ये नाश्ता प्री नर्सरी या प्राइमरी के बच्चों को मध्याह्न भोजन से पहले दिया जाएगा। नाश्ता स्कूल के किचन में नहीं बनेगा, नाश्ता क्षत्रिय स्वयंसेवी या महिला संगठनों की मदद से तैयार कराया जाएगा। यह पैक्स फूड पोषण से भरपूर होगा। इसे लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से सुझाव भी मांगा है। अब ऑडियो मैसेज के जरिए भी बकाया बिजली बिल की दी जा रही है जानकारी। उपभोक्ताओं और बिजली कंपनी को मिलेगा इसका फायदा। कई बार ऐसा होता है कि अपने बकाया बिजली बिल की जानकारी उपभोक्ता को नहीं चल पाती है। बिजली कंपनी द्वारा भेजे गए SMS पर ध्यान नहीं देने और बिल जमा नहीं करने के कारण बिजली काट दी जाती है, जिसके बाद उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी के दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता है। बिजली बिल जमा करने के बाद विद्युत आपूर्ति फिर से बहाल की जाती है। बिजली उपभोक्ताओं को इसी परेशानी को दूर करने की विद्युत कंपनी ने की है। कंपनी ने अब SMS के साथ साथ ऑडियो मैसेज भेजना भी शुरू कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं के साथ साथ बिजली कंपनी को सीधे तौर पर इसका लाभ मिल सकेगा। जिन घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगे हैं, उन उपभोक्ताओं के बिजली बैलेंस के अभाव से गायब न हो सके, इसे लेकर बिजली कंपनी ने अनोखी पहल शुरू की है। यह उन लोगों के लिए भी है जिनके घर में अब भी पुराने मीटर लगे हैं। बकाया बिजली बिल की जानकारी SMS के माध्यम से दी जाती थी, लेकिन कुछ लोग इसे देख नहीं पाते थे, जिसे देखते हुए कंपनी ने अब ऑडियो संदेश भेजना शुरू कर दिया है। बिजली कंपनी पहली बार इस तरह का प्रयोग कर रही है। रविवार से ही इसकी शुरुआत की गई है। बिहार में बम्पर बहाली, प्राइमरी स्कूलों में 8386 फिजिकल टीचर की होगी भर्ती। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। मुख्य सचिवालय में चल रहे नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बिहार में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका मिला है। शिक्षा विभाग राज्य के प्राइमरी स्कूलों में 8386 फिजिकल टीचर की बहाली करने जा रही है। बुधवार शाम को 4 देशरत्न स्थित संवाद में शाम 4:30 बजे से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी है। मंत्रिपरिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। शिक्षा विभाग 8386 फिजिकल टीचर की बहाली करने जा रही है। 100 से अधिक छात्र वाले प्राइमरी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली की जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में यह प्रस्ताव विभाग द्वारा लाया गया है, जिस पर कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। जल्द ही इसकी बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह बहाली भी सामान्य शिक्षकों की नियुक्ति के तरह नगर निकाय और पंचायत नियोजन के माध्यम से होगी। बिहार के सरकारी कर्मी और पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कैबिनेट में लगी मुहर। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। मुख्य सचिवालय में चल रहे नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बिहार के सरकारी कर्मी और पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने एकमुश्त बकाया DA का भुगतान करने का निर्णय लिया है। बुधवार शाम को 4 देशरत्न स्थित संवाद में शाम 4:30 बजे से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी है। मंत्रिपरिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने कैबिनेट में यह फैसला लिया है कि सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों को बकाया DA का भुगतान एकमुश्त किस्त में किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अक्टूबर महीने में जुलाई और अगस्त महीने के वेतन के साथ बकाया DA का भुगतान किया जाएगा। साथ ही कैलेंडर 2022 पर भी हरी झंडी दे दी गई है। बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और NIA की छुट्टी पर मुहर लगी है।
सावधान, बिहार में वायरल बुखार का कहर जारी। 946 बच्चे पहुंचे हॉस्पिटल, 78 को अस्पताल से मिली छुट्टी। बिहार के कई जिलों में वायरल फीवर अपना कहर बच्चों पर बरपा रहा है। यहां वायरल बुखार से पीड़ित बच्चे मंगलवार को दिन भर अस्पताल पहुंचते रहे। बिहार के विभिन्न जिलों के रहने वाले 946 बच्चे सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचे, जिनमें से 50 गंभीर बच्चों को अलग अलग अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। एक ओर वायरल बुखार के कारण कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर एक राहत की भी खबर है। राहत की बात यह है कि 78 बच्चों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिली है। किसी भी बच्चे में चिकनगुनिया, मलेरिया या अन्य कोई बीमारी के लक्षण नहीं पाए गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि वायरल पीड़ित बच्चों की जांच में 2 डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं। ये बच्चे बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना स्थित PMCH में भर्ती हैं। पूर्णिया जिले में इन दिनों वायरल फीवर के बीच 25 बच्चों के सैंपल जाँच में कुल 5 डेंगू और 3 मलेरिया के रोगी निकलने के बाद विभाग अब सतर्क हो गया है। पटना हाईकोर्ट में अब फिजिकल सुनवाई को मंजूरी, हफ्ते में 4 दिन फिजिकल कोर्ट। कोरोना संक्रमण के कारण पटना हाईकोर्ट में लंबे अरसे से फिजिकल सुनवाई बंद है, लेकिन अब हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई की शुरुआत होने जा रही है। हाईकोर्ट में हफ्ते के 4 दिन अब फिजिकल सुनवाई होगी। 27 सितंबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और अन्य जजों के साथ समन्वय समिति की मंगलवार को लंबी बैठक चली, जिसके बाद यह तय किया गया है कि हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू की जाए। सुनवाई हफ्ते के 4 दिन की जाएगी। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। हाईकोर्ट में केवल उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत होगी जिनके मुकदमे की सुनवाई होनी है। इसके बजाप्ता पास भी जारी किया जाएगा। कोर्ट के 3 गेटों पर समन्वय समिति के पदाधिकारी तैनात रहेंगे। कोरोना नियमों की अनदेखी नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई को लेकर फैसला होने के बाद एडवोकेट एसोसिएशन, लॉयर्स एसोसिएशन और बार एसोसिएशन के समन्वय समिति के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा ने बताया कि 27 सितंबर से फिजिकल सुनवाई को मंजूरी दे दी गई है। अब हफ्ते में 4 दिन फिजिकल कोर्ट होगा। सोमवार से लेकर गुरुवार तक कोर्ट में फिजिकल सुनवाई हो सकेगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई बंद होने के कारण वकील लगातार इस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। आ गई कोरोना की तीसरी लहर। गोपालगंज में पिछले 3 दिनों में ऑक्सीजन लेवल कम होने से 3 मरीजों की मौत, कई और कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना की जिस तीसरी लहर की बात कही जा रही थी, क्या उसने बिहार में दस्तक दे दी है? गोपालगंज से ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। बिहार के गोपालगंज जिले में पिछले 3 दिनों में कोरोना के 3 संदिग्ध मरीजों की मौत हो गई है। तीनों का ऑक्सीजन लेवल कम था, वहीं 3 और लोग कोविड संक्रमित पाए गए हैं। जांच में कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन उनकी निगरानी कर रहा है। वहीं कोविड को लेकर इलाज का सारी तैयारी होने का भी दावा किया जा रहा है। गौरतलब है कि एक्सपर्ट पहले से ही ये आशंका जता रहे थे कि कोरोना की तीसरी लहर सितंबर के आखिर में आ सकती है। गोपालगंज में इसके संकेत मिलने लगे हैं। जिले में पिछले 3 दिनों में कोविड के 3 संदिग्ध मरीजों की मौत हो गई है। तीनों का ऑक्सीजन लेवल कम था, मौत के बाद लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जिले में पिछले 3 दिनों में 3 ऐसे लोगों की मौत हुई है जिन्हें कोरोना के लक्षण थे। मंगलवार को हथुआ के एक मरीज को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसका ऑक्सीजन लेवल काफी कम था। इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। एक दिन पहले 2 और लोगों की मौत हुई थी। 97 हेडमास्टर जाएंगे जेल। बिहार सरकार की बड़ी कार्रवाई, छात्रवृत्ति और पोशाक राशि में 1.12 करोड़ बचाने का आरोप। इस वक्त एक ताजा खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग ने एक साथ 97 हेडमास्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। इन सभी प्रधानाध्यापकों पर छात्रवृत्ति और पोशाक राशि में 1.12 करोड़ गबन करने का आरोप लगा है। शिक्षा विभाग की जाँच में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई है। इन सभी 97 प्रधानाध्यापकों के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। ये सभी हेडमास्टर बिहार के सीतामढ़ी जिले में पदस्थापित है। साल 2015-16 में छात्रवृत्ति और पोशाक की राशि वितरण में अनियमितता बरतने को लेकर DPO स्थापना महेश प्रसाद सिंह ने सीतामढ़ी जिले के 16 प्रखंड के 97 स्कूलों के हेडमास्टरों पर केस कर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सीएम नीतीश ने किया रोपे 2.0 का उद्घाटन। केवल 4 मिनट में मंदार पर्वत के शिखर पर पहुंचेंगे सैलानी, जाने कितना होगा किराया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को दूसरे रोपे की सौगात दी है। सीएम ने बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत पर रोपवे का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री संजय झा समेत कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। रोपवे के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने पुरातात्विक धरोहरों की निरीक्षण भी किया है। मंदार पर्वत स्थित रोपवे का
उद्घाटन होने से यहां पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। महज 80 रुपये का टिकट लेकर लोग अब मंदार की ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक स्थलों का दर्शन कर पाएंगे। बता दें कि मंदार पर्वत से लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है और यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। रोपवे नहीं होने के कारण पहले घंटों की चढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन अब रोपवे बन जाने के बाद मिनटों में लोग पहाड़ के ऊपर पहुँच जाएंगे। चुनाव किसी भी तरह के हो, लेकिन इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर होता है। खासतौर पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई चुनाव के कारण प्रभावित होती है, लेकिन बिहार में पंचायत चुनाव के बावजूद इस बार सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बाधित नहीं होगी। पंचायत चुनाव के दौरान राज्यभर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की निरंतर व्यवस्था जारी रखने को लेकर विशेष व्यवस्था में विभाग जुट गया है। इसको लेकर रणनीति बन रही है। पंचायत चुनाव और स्कूलिंग को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जल्द ही विभाग की तरफ से अधिकारियों को इस बाबत पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई भी जाती है, तो तरीका ऐसा हो कि स्कूलों की पढ़ाई बाधित न हो। शिक्षा विभाग इस प्रयास में जुट गया है कि 1.5 साल कोरोना काल में बाधित हुई बच्चों की पढ़ाई अब अगले 4 माह चुनाव की वजह से न रुक जाए। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।